के केस में आशीष ये क्वार्टर बेहतरीन रहा है। Q1 बहुत ही बढ़िया 74% का इजाफा कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला, 5,566 करोड़, 6% रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, 1,00,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा स्टेडी है। साथ ही साथ आप देखेंगे इबिटा लेवल पर भी परफॉर्मेंस है अच्छा, 19% का इजाफा 15,785 करोड़, मार्जिन बढ़कर 14.6% पर आए हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर हुआ। इंडिविजुअली अगर आप JLR देखेंगे तो JLR के केस में हाईएस्ट एवर Q1 रहा है, जहां पर कंपनी ने कहा है कि क्लियरली इस बिजनेस में 5% तक का इजाफा देखने को मिला, 7.3 बिलियन पाउंड पर कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अब आइए आउटलुक पर, और आउटलुक को लेकर कंपनी इस समय कॉन्फिडेंट नहीं है। JLR का भले ही उन्होंने जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया है, वो कह रहे हैं इबिट लेवल पर 8.5% से ऊपर तक का बिजनेस ये करते हुए दिखाई देंगे, वो डिलीवर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा Q2 और Q3 में कंपनी कह रही है कि कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलेंगे, एनुअल शटडाउन आएगा, साथ ही एक एल्युमिनियम सप्लायर के यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे तो वहां से सप्लाई कम हो सकती है, तो वो आउटलुक कम है। साथ ही साथ डिमांड आउटलुक भी ग्लोबली कुछ नरम रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि फेस्टिव सीजन के बाद ही दरअसल वो पिकअप रहेगा। इस बारी ईवी वॉल्यूम्स पर थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि फेम के इंसेंटिव्स नहीं थे तो उसका एक ड्रैग देखने को मिला है, लेकिन ग्लोबल डिमांड कमजोर रहने की आशंका है और फेस्टिव सीजन के बाद ही वो पिकअप आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ये भी कह रही है कि ओवरऑल डिमांड को लेकर वो इस समय सतर्क है, नजरें बनाए रखेंगे कि पिकअप कब आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड हाफ में ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ईवी सेल्स में एक पिकअप देखने को मिलेगा। JLR के लीडरों ने एक इनफैक्ट नई गाड़ी भी अनाउंस की है, वो भी एक पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ जो डीमर्जर की औपचारिकता थी कि अप्रूवल मिलना था बोर्ड की तरफ से, वो आ चुका है। पैसेंजर कार सीवी बिजनेस में उनका मानना है जो बिजनेस अलग होंगे तो उस लिहाज से ग्रोथ भी बेहतर होने के आसार है, ये कंपनी को उम्मीद है। 12 से 15 महीने लगेंगे ऑफ कोर्स उस प्रक्रिया को पूरे होने में। जेफरीज 1330 टारगेट बढ़कर आया है, नोमरा ने भी अपना टारगेट 1303 पर रखा है। अच्छे नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, कॉशियस कमेंट्री हो सकती है, लेकिन JLR के सारे जो गाइडेंस है उसे रिटेन कर, और वो ये भी कह रहे हैं 8.5% के ऊपर के एबिट भी हम मेंटेन करके दिखाएंगे, तो कुछ हेडविंड्स हो सकते हैं लेकिन गाइडेंस 10 की 10 और बेहतरीन क्वार्टर परफॉर्मेंस। पार्थिव ITC या टाटा मोटर्स, जो दोनों निफ्टी के नंबर्स पर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग का कोई खरीदारी का व्यू बन रहा है कि अभी समय नहीं? टाटा मोटर्स की अगर बात करूँ तो यस, आई थिंक कॉमेंट्री स्लाइटली कॉशियस थी JLR के लिए, लेकिन काफी पॉजिटिव भी निकल के आए रिजल्ट में से। FY25 के अंदर दे आर ट्राइंग टू बिकम नेट डेट फ्री, ये डीमर्जर की बात है, आई थिंक दैट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू और डिफरेंशियल वैल्यूएशंस मिलेंगे अलग अलग बिजनेसेस को। डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक दे आर डूइंग रीजनेबली गुड, वहाँ पे भी आगे जाते नई पाइपलाइन रहेगी। कॉस्ट कटिंग मेजर्स आई थिंक कंपनी ने ऑन द होल बहुत अच्छे लिए, तो ऑपरेशन एफिशिएंसीज डेफिनेटली सीम टू पिक इन, और JLR का जो एबिट है करीबन 8.7% के आसपास है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन मेनी क्वार्टर्स लास्ट क्वार्टर्स। तो ओवरऑल आई थिंक हमारा व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशन वाइज इंडिया के डोमेस्टिक लिस्टेड पीयर्स के सामने अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे स्टिल 15% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है। मुझे लगता है कोई भी कॉमेंट्री की नेगेटिविटी की वजह से अगर डिप आता है तो टाटा मोटर्स आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा। उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड हुआ था वो 1180 था, तो मुझे लगता है 1180-1200 इसका अपसाइड कैप रहेगा, वह रहे मुझे लगता है थोड़ा पुल ऑफ होने की जरूरत है। काउंटर अच्छा है, इट्स बायोडिप फॉर मी, अंतिम करेक्ट होता है जैसे कि आज का न्यूज का इंपैक्ट आता है, अगर ये थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, हल्का होता है, अच्छी चीज है, मुझे लगता है 1100 के आसपास सपोर्ट है, अगर 1100 मेंटेन होता तो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड बनेगा। ओके, ये हो गए दोनों निफ्टी के नंबर। स्टार्टअप से याद आया कल कई सारे